हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं मौखिक गणित का पार्ट टू लेके आया हूँ। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, उस पर अच्छा रिएक्शन मिला तो मैंने सेकेंड पार्ट बनाया। फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो थोड़ा डीमोटिवेटिव होता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऋजुकोण कितने का होता है? ऋजुकोण कितने का होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी 180 का होता है ऋजुकोण, या इसे कहते हैं सरल कोण। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संपूर्ण कोण कितने का होता है? एक संपूर्ण कोण कितने का होता है? तो फ्रेंड्स, एक संपूर्ण कोण होता है ऑप्शन 120 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 240 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का होता है संपूर्ण कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बहुभुज के विकर्ण निकालने का सूत्र होता है? किसी बहुभुज के विकर्ण निकालने का सूत्र होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यानी कोई बहुभुज दिया है, जैसे पेंटागन, हेक्सागन या क्वाड्रिलेटरल, जो भी दिया है उसके जो विकर्ण होते हैं वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन बी एन इंटू एन माइनस टू अपॉन टू, ये होता है विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। फ्रेंड्स, आज के जो 50 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो को देखें। वृत्त का परिमाप कितना होता है? वृत्त का परिमाप होता है 3πr, 2πr, 4πr या 5πr। तो कितना होता है? 2πr। वृत्त का परिमाप 2πr और πr स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वृत्त का। ठीक है फ्रेंड्स, πr स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 का घन कितना होता है? 11 का घन, घन का मतलब होता है किसी नंबर की 3 times मल्टीप्लाई, यानी 11 × 11 × 11, तो ये होता है घन। तो कितना होता है? ऑप्शन सी 1331। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26480 में 6 का स्थानीय मान क्या है? 26480 में 6 का स्थानीय मान क्या है? क्या है? तो कितने डिजिट पे आ रहा है? तो 1s, 10s, 100 और 1000। तो कितना है? ऑप्शन सी 6000, यानी 6000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की किसी रेखा को बढ़ाया जाता है तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा? आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग, यानी किसी, यानी ये लाइन मैं और बढ़ा दूं तो इस एंगल का और इस एंगल का मतलब योग कितना होगा? तो कितना होगा? 180, 120, 360 या 400 डिग्री। तो कितना होगा? 180 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 10 तक संख्याओं का योग कितना होता है? 1 से 10 तक की संख्याओं का, तो 50, 55, 60, 65। तो कितना होता है? 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सभी संख्याओं का योग, मध्यमान या सभी संख्याओं का गुणनफल। तो क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो कौन सी है? 111, 400, 999 या 100? तो ऑप्शन सी। तो कितनी है? 100, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने, गुरुदेव ने, रामानंद ने या रामानुज ने? तो किसने की थी? आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 + 2 - 2 + 2 का उत्तर क्या होगा? तो क्या होगा? 1, 2, 0 या 3? तो क्या होगा? 0। -2 कैंसिल -2 + 2 कैंसिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कोण को मापा जाता है रेडियन, स्टेरेडियन, फ्लक्स या तीव्रता में? तो ऑप्शन बी स्टेरेडियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून कोण कितने डिग्री का होता है? 160, 180, 90 से बड़ा, 90 से छोटा? तो ऑप्शन डी 90 से छोटा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2, 4, 5, 6। तो क्या है? ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 20, 21, 22 का औसत क्या है? तो क्या है? 21, ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटागन के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? आंतरिक का मतलब अंदर के कोण, अंदर अंदर जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, तो कितना होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए 540, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहा जाता है? लंब, आधार, कर्ण या विकर्ण? विकर्ण। तो क्या कहा जाता है? कर्ण, ऑप्शन सी। यानी ये वाली भुजा है जो सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने बनती है समकोण त्रिभुज में, तो इसको कहते हैं कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण निकालने का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? एन एन इंटू एन माइनस थ्री, एन इंटू एन माइनस टू, एन इंटू एन माइनस फोर, या 360 गुणा एन। तो क्या होता है? एन इंटू एन माइनस टू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल में कितने डिग्री होती हैं? एक सर्कल पूरा, यानी एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी 360 डिग्री का होता है एक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो अंकों की सबसे छोटी, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो क्या है अभाज्य संख्या? ऑप्शन ए 11, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 3 तो x प्लस 5 का मान कितना होगा? 6, 7, 8, 9, क्या होगा? x बराबर 3 है तो x प्लस 5 का मान, तो कितना होगा? ऑप्शन सी डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर माइनस 5 तो x प्लस 5 का मान कितना होगा? 0, 7, 8, 9, तो क्या होगा? 0, क्या होगा? 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से विभाजित होने के लिए 2a 5 6, इस संख्या में a की स्थान पर क्या आएगा? यानी इस संख्या में a के स्थान पर क्या आएगा 11 से विभाजित होने के लिए? तो 2, 1, 8, 0, कौन सा ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स बताइए? तो कितना आएगा? ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 13 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बताइए फ्रेंड्स, 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 13 है तो कितनी होगी? बताइए फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए कितनी होगी? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का घन कितना होता है? 8 का घन 343, 512, 1728 या 125, कितना होता है? घन का मतलब होता है ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी तीन बार गुणा करने पर। तो 8 की 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आएगा, तो 8 का घन होता है 512। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण कोण क्या है? दो कोणों का योग 90 हो, दो कोणों का योग 180 हो, एक कोण 120 का हो, एक कोण 180 का हो। तो संपूरक कोण होते हैं दो कोणों का योग 180 हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत का परिमाप होता है 2 × l + b, 3 × साइड, 4 × साइड, l × b। तो देखिए, जो हमारी लेंथ होती है उसको कहते हैं l, और जो विड्थ होती है उसको कहते हैं b, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 2 × l + b, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है परिमाप आयत का, रेक्टेंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो l × b, ये होता है क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या है? l × b, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आयत का विकर्ण होते हैं, आयत का विकर्ण होते हैं, आयत में कितने विकर्ण होते हैं? कहने का मतलब ये है 1, 5, 3, 2, तो कितने होते हैं? ऑप्शन डी 2 विकर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग में विकर्ण होते हैं, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? तो जितने आयत में होते हैं उतने वर्ग में होते हैं, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये, तो 2 विकर्ण होते हैं, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 4 × भुजा या भुजा गुणा 2 या 10 × भुजा, तो क्या होता है, कितना होता है? तो भुजा गुणा भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, साइड इंटू साइड। अगला क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणा भुजा, 4 × भुजा, भुजा गुणा 2, 10 × भुजा, तो क्या होता है? 4 × भुजा, ऑप्शन बी। यानी 4 से अगर भुजा की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है हमारा? परिमाप निकलता है वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 50 तक
संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो 1275, 1200, 1540 या 1500, तो कितना होगा 1275। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या किसी से ना कटे, अपने से कटे और एक खुद से कटे, यानी एक एक से कटे और एक खुद से कटे, ठीक है, खुद से कटे, ठीक है। तो कौन कितनी होती हैं, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन सी 8 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 4 3 4 3 का बहुलक कितना, बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, जो जितनी बार रिपीट होता है वही बहुलक होता है, तो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन बी, यानी 3 बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इस आकृति में बाह्य कोण कितनी डिग्री का होगा, ये है पेंटागन, पेंटागन में कितने डिग्री का होगा कोण, तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है 360/n, n मतलब जितने आकृति में जितनी रेखाएं हैं, तो कितनी रेखाएं हैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन होगा बी, 72 डिग्री का एंगल होगा बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब है ये वाला कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 कितने होंगे 3600 सेकंड, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इस आकृति में बाह्य कोण कितनी डिग्री का है, बाह्य कोण यानी ये हेक्सागन है, ये वाला कोण, तो हेक्सागन में 360/6 तो कितने डिग्री का होगा, ऑप्शन डी 60 डिग्री का, 6×36। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक कोण क्या है, दो कोणों का योग 90 हो, दो कोणों का योग 180 हो, एक कोण 120 का हो या एक कोण 180 का, तो ऑप्शन ए, ए यानी दो कोणों का योग 90 हो तो उसे कहते हैं पूरक कोण, ठीक है। 12 का घन कितना होगा, 12 का घन, तो 12 का घन मतलब 12 की 3 times मल्टीप्लाई, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, तो कितना, ऑप्शन सी 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 40 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी 10 संख्याओं का औसत 40 है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो जो संख्याएं दी होती हैं उनका औसत से मल्टीप्लाई कर दें तो योग आ जाता है, तो कितना होगा, ऑप्शन ए 400। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 का प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा नंबर क्या होगा, तो 2, 5, 6, 7, तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अनुचित भिन्न कौन सी है, अनुचित का मतलब है जिसका हर मतलब छोटा हो अंश से, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन ए 7/3। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है फ्रेंड्स, आज के टॉप 50 क्वेश्चन थे ये मैथ के, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे डीमोटिव मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर